नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 76S है, और 76S में ये बिल्कुल करीब है ओली चौक के पास वाली यहाँ पे गुप्ता कॉलोनी है। और यहाँ पर लोग, यहाँ पर खासकर अनिता सतपाल सिंगल जी जो कि यहाँ पर मौजूद है, निगम पार्षद है, और खासकर सफाई व्यवस्था को मद्देनजर अगर बात करें तो व्यवस्था के लिए हमेशा लोग तत्पर रहते हैं। और स्थानीय नेता हैं तो इनको बुलाना, और खासकर पदवी पे हैं तो साथ साथ सफाई व्यवस्था में किस प्रकार से आने वाले दिनों में क्रांति आए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए और इसमें कुछ जो भी हो सकता है कुछ आगे बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर अनिता जी भी मौजूद है, सतपाल जी भी मौजूद है, और प्रधान जी जो यहाँ पर गुप्ता कॉलोनी में यहाँ पर देखते हैं सभी को अगुवाई करते हैं वो भी मौजूद है। सतपाल जी से बात करते हैं। सतपाल जी, आज आपको बुलाया गया है अतिथि के रूप में, और यहाँ पर पड़ोसी और जितने भी यहाँ पर मोहल्ले वाले सभी मौजूद हैं, क्या कहेंगे व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं किस प्रकार? मैं एक बात बता दूं, मेरे पास ये भाई लोग पहले भी कई बार गए हैं, अपने भाई भी गए हैं, और राठी जी के लड़के भी गए हैं, राठी जी भी पहले गए हैं। आपने सारा पता है, इस बार हमें बजट, मैंने बताया था भाइयों को, इस बार हमें 50 लाख कुल बजट मिला था, और पिछले साल 25 लाख बजट, पर मार्च में इस बार संभावना है कुछ बजट मिलेगा। तो मैं इन सारी गली वालों को आश्वासन देना चाहता हूँ, जो मुझे बजट मिला तो मैं देवली गांव की, जो मेरा बजट आएगा वो सबसे पहले आपकी गली में लगा। इस गली में अभी बहुत भारी समस्या आ गई थी रमेश जी, जल बोर्ड की जो JCB ने पाइप को तोड़ दिया था और पूरी गली में पानी भर गया था। यहाँ सारी जितनी भी बहनें भी खड़ी हैं, हमारे भाई भी खड़े हैं, सब मेरे पास आए, और यहाँ आपने देखा ये होली चौक से लेकर जलेबी चौक तक का रस कितना होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें हफ्ता लग गया था उसमें डालने के लिए, फिर भी हमने पाइप डलवाया उसको। हम पाइप नहीं डलवाना चाहते थे, हम इसमें एक पुलिया बनाकर उस पर लेंटर डलवाना चाहते थे, पर भीड़ कोई रुकती नहीं है, ये सारे भाई खड़े थे JCB जब आई थी, तो बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग पाइप डाल पाए तो जो पानी निकल पाया। आप लोगों ने सारा पता है, केजरीवाल जी ने पीछे, हम 6 साल से जब से MCD में, वो जब से दिल्ली में सरकार उनकी आई है, जो हमारा परसेंटेज का जो पैसा होता था MCD को, वो उसने 6 साल से नहीं दिया है, जिसका हिसाब करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए था तीनों MCDA का, पूरब भी, नॉर्थ भी और साउथ भी। तो इस बार जो बजट मिला, मैंने कम से, अभी कई भाई ने कहा कि आपने एक गली वो बनाई है, ये मैं बताऊं आपको, ये पहले मैंने जो अभी जो गली बना रहा हूं, जो पहले 2 साल में मुझे बजट मिला था, पहले जब मैं हम लोग बनकर आए थे तो मुझे करीब करीब 4.85 करोड़ बजट मैं लेकर आया था, दूसरे साल 2.5-3 करोड़ के करीब बजट था, उन्हीं से जो मैंने गली बनवाई, क्योंकि मैं उस टाइम लगा चुका था। और आप लोगों ने, सबने पता आजकल कि सब सारा जमाना कंप्यूटराइज है, कि मैं किसी की गली को उठा के किसी की में भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसमें नाम नंबर एड्रेस सब डलते हैं, वो कंप्यूटराइज में सब डलते हैं, और उसके बाद सारी चेकिंग की गलियां होती हैं। आज के टाइम में JEE चेक करने आते हैं भाई कौन सी गली में बजट लगा, कौन सी में ना है। पर मैं ये बात आप सब लोगों को, जितने बैठे हैं सबके बीच में कहना चाहूंगा, इस बार कुछ भी बजट आता है हमें 1.5 करोड़ आपकी गली को, कुछ ना कुछ ये गली जरूर बनेगी आप, मैं तो इतना ही कहूंगा। और मैं आपके, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई का कल से, रंजन जी का भी, और कई बार फोन आने लग रहा था, हम थोड़ा लेट हो गए, कई कार्यक्रम थे रमेश जी हमारे साथ हैं, सुबह से लेट हो गए, इसके लिए भी मतलब हम माफी मांगते हैं। रंजन जी, मैं सतपाल जी इतना बढ़िया बात कर रहे हैं और सपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कि हम ये चाहते हैं कि ये हमारे मौजूदा गांव के आदमी हैं, गांव के मालिक हैं, हम तो इन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया। हमारी जो सड़क में पाइप टूटा था JBC से जल बोर्ड की, वो इन्होंने प्रॉपर नया पाइप डलवाया, और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बढ़िया। और अनिता जी से भी थोड़ा 2 शब्द जानना चाहेंगे, अनिता जी क्या कहेंगे आज गांव का प्यार दोबारा से, और मिलता ही रह रहा है आपको, और पुनः आज आपको जिम्मेदारी एक और एक समस्या के बारे में भी, प्लस आने वाले दिनों में बढ़िया कुछ कर पाए, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने आज जनता जनार्दन के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, इस जो ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसका मैंने अपने फोन में फीड कर रखा है, गुप्ता वाली गली, ठीक बोला मैंने? अच्छा, फिर गुप्ता वाली गली से जो भी फोन आता है, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि यहाँ पानी भरता था, मुझे पता है यहाँ समस्या थी बहुत बड़ी, लेकिन जब से पाइप डलवाया है मैंने, कुछ राहत उससे भी होगी। और सतपाल जी ने जैसे बताया है, जैसे ही हमारे पास अब की बार का जो बजट आएगा उसमें शायद मैं ये गली बना पाऊंगी। और इस क्षेत्र में कुछ वैसे भी हैं, गाय भी हैं, लेकिन अच्छी बात है, देखो सब अपना रोजगार ढूंढते हैं,
कोई छोटा कोई मोटा, अच्छी बात है बहन जी, लेकिन उसूल का भी गोबर मैं होली चौक से वहां से उठवाती हूँ। मुझे यहाँ के क्षेत्रवासियों से बहुत प्यार है, मुझे इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकती। जो आप लोगों ने इतना भरपूर बहुमत देके मुझे जिताया, जैसे भी आप बुलाते हो मैं तुरंत यहाँ पे आती भी हूँ। और जैसे यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, ये पाइप टूट गया था इनका बीचों बीच, जब बांध रोड पे ये पाइप टूटा है आप देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी भी, जब से वो पाइप जुड़ा है उसे राहत बहुत ज्यादा है, पानी आराम से निकल जाता है उसका। और आगे भी आने वाले दिनों में जो भी होगा, आप बजट सतपाल जी ने बोला है तो देखते रहे। यहाँ पर गुप्ता वाली गली जो मैडम कह रही हैं और यहाँ पर काफी लोग मौजूद है स्थानीय निवासी, थोड़ा सा दिखाया जाए सभी को एक बार। और रिपोर्ट क्लोज करने से पहले आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर बुलाए थे और अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे, अनीता सतपाल सिंगल जी और सतपाल सिंगल जी काफी यहाँ पर सांत्वना दे रहे हैं और उम्मीद है जनता भी यहाँ पर खुश है। आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे इस गली में और इस मोहल्ले में जिस प्रकार से समस्या है, और बजट अगर बढ़िया पास हो जाता है तो इस गली को पूर्ण रूप से बेहतर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त की जाएगी, ये यहाँ पर सतपाल जी और अनिता जी ने। जी जैसे हमने कृष्ण पार्किंग वाली बनाई थी आपके पीछे वाली गली, उससे भी बढ़िया गली बनाएंगे, इसको बजट मिल गया तो ये भी और ये गली भी, दोनों गली आपकी बनाएंगे जिससे पानी, और गैल गैल नाली भी बनाएंगे जिससे पानी की समस्या। सीवर देखो बहन जी, हमारे हाथ सीवर हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सीवर जल बोर्ड के आ जाओ आप आगा। हाँ प्रॉपर जो नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से नाली के साथ आपकी गली बनाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं, सीवर हमारे हाथ में नहीं है, सीवर विधायक के हाथ में, आपको बता देना सर। सीवर डालने का काम विधायक का है। हाँ इस बार हमें 10 से 12 लाख रुपए भी फंड मिला तो वो आपकी गली में लगेगा। ठीक है ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 जाएगा, नहीं जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से बनाएंगे इसको, बिल्कुल नहीं। मैं समझ रहा हूँ मैं बहन जी, मैं खुद, मेरे पास रोज फोन आते थे आपके यहाँ से, 10-10 फोन एक साथ जाते थे, और मैं इनसे सब भाइयों से के सामने कह रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा फोन नहीं किया कि मैंने नहीं उठाया हो। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कोई भी बजट आएगा वो सबसे पहले आपके अनुसार गली बनेगी जैसा आप लोग चाहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी कुछ बोलना चाहिए, थोड़ा सा मैं निगम पासी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा गली का सर्वे कर रहे प्लीज हमारे कहने। चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहे, यानी कि यहाँ पर गुप्ता कॉलोनी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर निगम पार्षद और स्थानीय निवासी मिलकर यहाँ पर बंदोबस्त को बढ़िया देख रहे हैं और देख रेख भी, सर्वे भी, और आने वाले दिनों में बढ़िया कुछ होगा तो उम्मीद करते हैं कि भाई जनता खुश है। तो आप भी जा रहे हैं अभी सर्वे करने के लिए, आगे भी जो इस कड़ी में होता है तो आम जनता के साथ मिलकर ये काम करेंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।